रोजी रोटी दे न सके, रोजी रोटी दे न सके, दोस्तों सलाम नमस्ते। मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर के CDPO कार्यालय में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की अभी यहां पे भूख हड़ताल चल रही है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले कई दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन आज इन लोगों ने भूख हड़ताल किया हुआ है। कारण क्या है, हम यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं नजमा खातून, हम उनसे जानेंगे और यहाँ पे जो और भी बहन हैं उनसे भी हम जानेंगे और क्या है इनका मामला। वैसे इन लोगों ने जो अब तक बातें बताई है उसके मुताबिक एक पुरानी फिल्म का वो गाना याद आ रहा है कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा साधा। जी हाँ, बिहार सरकार भारत सरकार दोनों ने मिलकर इन लोगों से कई वादे किए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक भी वादा इन लोगों के हक में पूरा नहीं किया गया। इन उन्हीं बातों को याद करते हुए और उन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को इन लोगों ने ये आज आंदोलन छेड़ा है। और देखते हैं, अभी तक जो जानकारी मिली है कि अब तक कोई भी विभाग के बड़े पदाधिकारी इन लोगों की बातों को सुनने के लिए अब तक नहीं आए हैं। क्या कोई पदाधिकारी आप लोगों की बात सुनने के लिए आए हैं अभी तक? जी हाँ, तो ये भी बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है कि पंचायत स्तर पे इन लोगों से ज़्यादा काम करने वाला शायद और भी कोई नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो परेशानी है, जो इन लोगों की परेशानी है, उसे भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आइए अब हम सीधे लिए चलते हैं और बात करेंगे यहाँ की प्रखंड अध्यक्ष नजमा खातून से, और भी यहाँ पे कुछ दीदी है, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोग पिछले कई दिनों से धरने पे हैं और आज भूख हड़ताल आप लोगों ने किया है, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का केंद्र सरकार से मांग है, 5 सूत्री मांग है, जो सरकारी कर्मचारी घोषित करे और ग्रेजुएटी 3 में हमको समायोजन करे, 25,000 मानदेय करे। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है सरकार, वक्त तक समाज काम का समान काम का समान वेतन दे। सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000। आप लोग की लड़ाई केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार से? तो दोनों से, दोनों सरकार से है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होंगे। कई सूत्री मांगे हैं? 5 सूत्री मांगे हैं जी। क्या क्या है उसमें? 5 सूत्री मांगों में है कि सरकारी कर्मचारी घोषित करें, 25,000 वेतन करें, जो ग्रेजुएटी का दर्जा दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, उनको लागू किया जाए जी। अभी कितना मानदेय आप लोगों को मिलता है? 5,900 रुपया। जैसा कि अभी एक बहन बता रही थी कि जो हम लोग को मानदेय मिलता है वो भारत सरकार या बिहार सरकार का जो तय मानदेय है, एक दिन की जो मजदूरी होती है उस मजदूर से भी कम मिलता है, क्या ये सही है? जी, उससे भी बेहतर माना जाता है, मजदूरी से भी ज्यादा बेहतर। हम लोग मजदूर का भी चाहते हैं, हम वो अलग बात है, भूल रहे हैं। अभी जो आप लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल किन मांगों को लेकर के है? हम लोगों को अनिश्चितकाल हड़ताल इस मांग को लेकर के है कि हम लोग को सरकार तेजस्वी यादव वादा किए थे कि जब हम जीत जाएंगे तो हम सेविका को 2 गुना मानदेय कर देंगे, लेकिन वो अपने वादे पर नहीं अड़े रहे, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पर आज बैठे हैं और आज से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठेंगे जब तक कि वो अपने जो वादा से मुकर गए थे वो वादा को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी सरकार जो होगी कि सेविका बहन से वादा करके और वादा से मुकर जाए, ऐसी सरकार को हम लोग नई सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अभी से सेविका बहन अपने भूख हड़ताल पर बैठे, और हम यहाँ से क्यों बैठे कि मेरे पूरे भारत देश की सेविका सहायिका भूख हड़ताल पर आज बैठी है, इसलिए हम सब सेविका बहन को यही कहना है कि हमारी मांग को पूरी करें और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। हम लोग का काम
सरकार जो 100 और कर्मचारी से लेते हैं उससे भी बेहतर हम लोग से काम लेते हैं, लेकिन हम लोग का उनसे बहुत कम वेतन और मानदेय कहकर देते हैं। और मानदेय क्या होता है, जब कर्मचारी का दर्जा देकर और काम लेते हैं कर्मचारी जैसा, तो फिर मानदेय क्यों देते हैं? और 5950 का तो रह ही नहीं गया आज का समय, इतना महंगाई आसमान छूते जा रहा है, 5950 में से इनका क्या कर सकती है और कैसे अपने परिवार को चला सकती है और कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकती है? सरकार से यही कहना है कि अगर आप हमसे काम बेहतर ले सकते हैं तो मेरे मानदेय को बेहतर क्यों नहीं, बेहतर मान करके क्यों नहीं दे सकते? इसलिए सरकार को इसी यही कह करके हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और जब तक हम लोग की मांग सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग इस भूख हड़ताल को और हड़ताल को जारी रखेंगे और हड़ताल पर ही हम लोग रहेंगे। जब तक सरकार हम लोग की मांग को पूरी नहीं करेगी हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहे हैं और रहेंगे। सरकार सहायता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों के कंधों पर बच्चों का भविष्य है, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने से उन लोगों का करियर खराब हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है, हम लोग नहीं है। सरकार हमें वेतन उस तरह के नहीं दे रही है तो हम लोग का बच्चा ही कुपोषित हो रहा है, तो हम लोग बच्चे को कैसे पोषित करें? जो क्षेत्र के हम लोग बच्चे को देख रहे हैं और हम ही लोग को सरकार नहीं देख रही है, तो हम लोग कैसे फिर सरकार बेहतर काम के लिए? तो बेहतर काम के लिए पैसा चाहिए बेहतर, और सरकार बेहतर पैसा हमें नहीं दे रही है तो हम तो अपने काम से मुकरेंगे ही। सरकार हमसे काम करती है 4 घंटा और 24 घंटा हम लोग काम में रहते हैं। आज सुबह में ये काम कर दीजिए ऑनलाइन, रात को 12 बजे तक ये काम कर दीजिए, कल ये तारीख को इतने काम, तो हम लोग तो सारा काम सरकार को करके देते हैं, फिर हम लोग का सरकार क्यों नहीं सुन रही है? जो हम लोग को मानदेय को वेतन मान क्यों नहीं कर रही? जब सरकारी हम लोग को सरकार बहाली की है तब तो हम लोग आंगनवाड़ी सेविका काम कर रहे हैं, और आज वेतन मान करके हम लोग को मानदेय नहीं दे रहे, और वेतन मान से हम लोग कितना दिन महंगाई में काम करते रहेंगे? पदस्थापित हूँ जी। किन समस्याओं को लेकर आज भूख हड़ताल पे आप लोग? सर हम लोग इंडिया बंधु से मैं अपनी बात को रखना चाह रही हूँ कि हम लोग को 6000 मानदेय मिलता है, इसमें मेरे बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। एक मजदूर का भी मजदूरी 400 रुपया है, लेकिन मेरी मजदूरी 200 से भी कम है, इससे मेरा भरण पोषण अपने परिवार का नहीं हो रहा है। जबकि मेरी बहाली हुई तो हम लोगों से कहा गया कि सरकार परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं हो, उनके पति को न उनके ससुर को या उनके परिवार में किसी को नौकरी सरकारी नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में अगर मेरे परिवार में कोई सरकारी कर्मी नहीं है और मैं अपने मानदेय से घर चलाऊंगी तो क्या मेरे बच्चे का भरण पोषण होगा? कभी नहीं होता है। इसलिए हम सेविका बहनों भूख हड़ताल पर बैठी हुई हूँ। सरकार मेरी जो है तेजस्वी यादव, वो वादा किए थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तब आप लोग का मानदेय दुगुना कर देंगे। उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री बड़ी विनम्रता है जी, ये तो उप मुख्यमंत्री जी हैं जी, इन्होंने वादा किया इन्होंने तोड़ा जी। आगे जो बड़ा प्रधान जी हैं जी, जिन्हें प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनके भी बड़े बड़े वादे थे जी, उन्होंने भी अपने वादे को नहीं निभाया, तो ऐसा लगता है कि शायद ये लोग वादा करते ही है तोड़ने के लिए। हम कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाने के देखिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, एक मजदूरी से भी मजदूरी कम दे रहे हैं मजदूर से भी, तो इस स्थिति में हम लोग उनके वादे पर कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या बेटी बच मतलब गया? आप ये कहना चाह रही है कि जो सरकार ये ढकोसला बना रही है महिला सशक्तिकरण का जी, वो अपने वोट बैंकिंग के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो नारी का अपमान कर रहे हैं, नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं मेरे मोदी जी। वो जो कहते हैं अपने वोट बैंकिंग बना रहे हैं कि ऐसे कहेंगे तो हमको वोट मिलेगा, लेकिन नारी को वो सम्मान नहीं देते हैं। आप खुद सोचिए कि इस इतने महंगाई में 6000 में एक बाजार में जाते हैं तो एक दिन का खर्चा है 6000 मेरे परिवार का, वो कैसे इस 6000 में हम 30 दिन काम चलाएंगे? वो भी समय पर मेरा मानदेय नहीं देते। आप लोग सेंटर से जो यहाँ आती जाती हैं उसका कुछ खर्चा मिलता है? जी कुछ नहीं मिलता है, मतलब उसी पैसे में आपको आना जाना मीटिंग वगैरह जो भी करवाते हैं सब उसी में करवाते हैं जी। तो हम लोग सहायता हम लोग के तो सेविका दीदी से भी आधा मानदेय मिलता है, जब ये दीदी सबको गुजारा बसर न हो रहा है तो हमको कैसे होगा? महंगाई तो सबके लिए बराबर है बराबर है, बाल बच्चा उनको भी पढ़ते हैं,
बाल बच्चा मेरा भी पढ़ते हैं, स्कूल फीस जो उनसे लेते हैं स्कूल में वो बच्चा हम लोग से बच्चा के से भी लेते हैं, इसलिए हमारा भी इन लोग से फीस तो हम लोग के भी उन्नीस होना चाहिए। तो आप लोग को भी धन्यवाद दे रहे हैं, हम पहली बार अभी माइक पर आए हैं। बोलिए ना, तो गाना हम गा रहे हैं, गलती होगा तो आप लोग कोई बात नहीं, हम लोग सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। करिया हो खेना दुआ से भूख से रोबेली ननका ननकी ए नीतीश भैया ए तेजस्वी भैया केतनो छुपा बेली हम बचबा के सतात नाई के केतनो सता बेली करजबा में उच पात नाई के हमरा मोदी भैया के किचियो बुझात नाई के। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज, पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दे। दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष, और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो जरूर कर ले। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मन पसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पैनलैब, डीएमआई कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मन पसंद का मोबाइल ले जाएं, मन पसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।